दिले बेखबर प्यार करना नहीं। किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए और अब मेरे दोस्त का भी ट्रांसफर हो गया। तो आप? मेरे ख्याल से पुलिस सही कह रही है। जहर मुलाजमा ने ही दिया होगा। साथ जब इस तरह की वारदातें होती है ना, तो लूटने वाले घर वालों को जहर देते हैं, मेहमानों को नहीं। और मेरी माँ तो इस घर में मेहमान थी। और बानो मेरे साथ बहुत अच्छी थी, वो मेरी माँ को क्यों जहर देगी, मेरा दिल नहीं मानता। देखो जहरा, धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। तुम्हारा एक डाउट था, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब प्लीज तुम भी अपनी फैमिली में एडजस्ट करने की कोशिश कर, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाए। एक और बात, उमेर आया था मेरे पास, मैंने उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। मैं मानता हूं कि उसको शक करने की बहुत बुरी आदत है, बहुत ही बुरी आदत है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो ना, पूरा ख्याल तुम करो, पूरा ख्याल वो करे, ट्रस्ट मी, बात बन जाएगी यार। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड दिस। साथ में तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। ऐसा लगता है जैसे उमेर को बस हर वक्त मेरी इमेज की फिक्र है, और कभी कभार ऐसा लगता है जैसे वो इंतजार में बैठा है कि मेरे कैरेक्टर के बारे में उसको कुछ पता चले और वो मुझे छोड़ दे। ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों अभी तक साथ हो, इसका कोई मतलब है। मैंने अभी तक हार नहीं मानी, तो तुम कैसे मान सकते हो हार इतनी जल्दी। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इतनी देर लगा दी आने में। क्यों, कोई काम है क्या? क्यों, मैं किसी काम के लिए तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ? चलो तुम बैठो, मैं चाय बनाकर आती हूँ। रहने दो, जरूरत नहीं मुझे चाय की, अपने रूम में जाके आराम करूंगा। तुम्हारे रूम में और आराम, वहां आराम भी बर्बाद होगा तुम्हारा। तुम्हारे जैसे किसी की भी सहरा जैसी लड़की से शादी होती वो ऐसे ही परेशान रहता। खैर अब तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रुको, घर में चाय बनाने के लिए बहुत मुलाजिम है, अगर कोई बीमार होगा या अवेलेबल नहीं होगा तो तुम्हें बता देंगे। मैं नौशेरवा गजनबी,
बाबा और अम्मा साईं का लाडला बेटा, जिसने बचपन से वही किया जो करना चाहता था, हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया आकर मैं खुद को बेबस महसूस करता हूं। मेरा मानना है जिंदगी इंसान को अक्सर उस मुकाम पर ला खड़ा करती है जहां आगे कुआं और पीछे खाई होता है। मैं एक धोखेबाज के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। रास्ते में जोया ने रोक लिया था तो मुझे तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आई ट्रस्ट यू। अगर ट्रस्ट करती हो तो फिर साथ से मदद क्यों मांगती हो? क्योंकि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। तुम जानती हो मैं ऐसा क्यों करता हूं? जब से शादी हुई यही सोचने की कोशिश कर रही हूं और अब एहसास होता है कि शादी से पहले सोचना चाहिए था। सारा नहीं, हर बार मेरी गलती नहीं हो सकती। खुद सोचो, तुम पहले दिन से इस घर के उसूलों से लड़ने की कोशिश कर रही हो। माना इस घर में गलतियां हैं, लेकिन क्या सिर्फ गलतियां ही? कोई एक चीज ठीक नहीं है। जब बीवी हर वक्त बुराई के बारे में बात करती रहेगी तो तुम खुद बताओ शौहर को क्या करना चाहिए। बस बात तुम्हारे शक करने से शुरू होती है और मेरी कोताहियों पे खत्म हो जाती है। सारा ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारे अंदर हर बात बुरी नहीं लगती। देखो, हम मिलके कोशिश करेंगे ना तो सारी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं। मुझे तुम्हारी हर बात बुरी नहीं लगती, मिलके कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि रिश्ता निभाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है? सारा, तुम फिर बात को उलझाने की कोशिश कर रही हो। देखो, तुम लड़की हो ना, तुम्हें तो हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि बात बनी रहे। उल्टा मैं हम दोनों के बीच में बात बनाने की कोशिश में लगा रहता हूँ। आई लव यू, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, थोड़ा सा एफर्ट करो ना मेरे साथ। चाहता हूँ कि गलत फहमियां दूर हो जाए हम दोनों के बीच में। चाहते हो मगर तुम कर नहीं पा रहे हो। तुम्हारे रास्ते में बहुत रुकावटें हैं। तो रुकावटें दूर कर दो ना, क्यों मौका देती हूँ मुझे शक करने का? प्लीज पूरी कोशिश करो। तुम वाकई चाहते हो कि रिश्ता ठीक हो जाए? ऑफ कोर्स चाहता हूँ। हम दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, शादी हो चुकी है, सारी जिंदगी हमने साथ गुजारनी है, मैं क्यों नहीं चाहूंगा? प्लीज हमारे लिए थोड़ा सा खुद को चेंज करने की कोशिश करो। और जहां तक बानो की बात है तो अगर बानो आंटी की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आई प्रॉमिस यू जो भी असल कातिल होगा ना, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। बानो के पास कोई वजह नहीं थी मेरी अम्मी के साथ ऐसा करने की। आई नो, किसी के पास भी आंटी जैसी पर्सनैलिटी के साथ ये करने की वजह नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुनिया भर में जो मुलाजिम होते हैं ये कभी कभार ऐसा कर जाते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा बन जाती हूँ, मगर उसके बदले तुम्हें मेरी भी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। एक शर्त पर। क्या? कब से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहटें देखी मैंने, प्लीज एक बार मुस्कुरा दे।
आ जाओ, चाय तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, रख दो। उमेर, वो फैसला सुना दिया जो हमने कल रात डिसाइड किया था? कौन सा गुल खिलाने का फैसला कर लिया? फिक्र मत करें पुप्पो, फैसला आपकी बेहतरी के लिए ही है। लो भाई, सुन रहे हो? ये कौन होती है हमारे बारे में फैसले करने वाली? मैं इस घर की मालकिन और उमेर की बीवी। उमेर बोलो ना। डैड, हमने फैसला किया है कि पप्पो और जोया को अपने घर चले जाना चाहिए। है? हम क्यों जाएंगे? असल में बात यह है पप्पो कि आप लोग ऐसे ही आए थे, इतने दिन गुजर गए। जाने तो नहीं देना चाहते आपको, लेकिन हमें एहसास है कि कैसे दिल पे पत्थर रख के आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत खिदमत की आप दोनों ने इस घर की, मगर थैंक यू सो मच, अब आप लोग जा सकते हैं। याद बहुत आएगी आप दोनों की। जोया, रुको, बैठो, नाश्ता करो। जोया, जाने देना, हो सकता है पैकिंग करनी हो। डैड, मेरी भी अर्जेंट मीटिंग है, मैं भी निकलूंगा। खुदा हाफिज। बाय अम्मी। अम्मी ठंडी ग्रीन टी पी रही हैं। सही है, गरम ग्रीन टी का बोले। अफशीन, अफशीन, आप बोले कि आपको गरम ग्रीन टी पीनी है। गरम ग्रीन टी ला दो। गरम ग्रीन टी। नहीं, अभी नहीं। उमेर माना कैसे? उमेर का पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की कोशिश की है। अम्मी, उमेर की छोटी छोटी सी जिदें हैं जिनको वो खानदान की इज्जत समझता है। मैंने चीज मान ली है कि इस घर के माहौल में मेरी और साथ की दोस्ती की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, तो मैंने खुद से वादा कर लिया कि अब मैं साथ से कभी नहीं मिलूंगी। इसके बदले उमेर ने मेरी कुछ बातें मानी है। वक्त लगेगा, मगर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। मैं हर वक्त अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, और क्यों नहीं होगी। पुरेतमाद हो, बुलबार हो, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी नीयत बहुत नेक है। नसीन भाभी, अच्छा नहीं किया आपने। भैया भाई छोड़ेगा नहीं।
मैंने क्या किया? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूं मैं। कंधा सिर्फ उमेर का इस्तेमाल हुआ है, तीर तो आप दोनों ने मिलके चलाए। तो आप भी तो इतने सालों से यही करती नहीं आई हैं। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा मकसद उमेर के जहन से वो शक की गंदगी निकालना है जो कई सालों से औरत के खिलाफ उसके दिमाग में डाली गई है। इसलिए सबसे पहले मैंने वो जड़ी काट दी है। ए लड़की, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की। बहुत पछताओगी तुम। यही तो गलती हुई है कि कभी किसी ने हिम्मत नहीं की, मगर मैंने हिम्मत कर ली है। अब आपके जो दिल में आता है वो आप करें। देख लूंगी, तुम दोनों को देख लूंगी। जहर खाके मर जाना चाहिए, धक्के मार के हमें घर से निकाल दिए। और क्या आपके भैया भाई क्या कर लिया उन्होंने? ऐसे भाई से तो बेहतर है उसका गला दबा के मार दे। हो सकता है भैया भाई, खबरदार अगर बोला कि भैया भाई ने कुछ सोचा होगा, मर गए वो हमारे लिए। कैसे अपनी बहू के आगे बैठकर चुप बैठ रहे हैं? मजाल है जो हमारी हिमायत में एक लफ्ज भी बोला हो, एक लफ्ज। मैं अब उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। And I mean it, अम्मी। यही गलती है जोया तुम्हारी कि तुम हर बात की इंतहा तक पहुंच जाती हो। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा वक्त दो मुझे। सच में कुछ दिन ही है आपके पास, बहुत जल्द आप भी हमारी तरह यूं ही सामान पैक करके इस घर से जाएंगे। मैं बाहर आपका वेट कर, जल्दी ना आई तो कह दीजिएगा अपने भैया भाई से कि आपको गाड़ी में ड्रॉप करवा दें। बहुत अफसोस की बात है, सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे घर से इस तरह जलील करके निकाले जाएंगे और तुम इस तरह खामोश तमाशाई बने खड़े रहोगे। छुप सी गई है ये बात। यहां अब निकलेगी नहीं। सारी मुसीबतें मेरे सर पे आई हैं आपदा और साथ की वजह से। वो दोनों यहाँ होते ना तो अलियान मुझे ढूंढते ढूंढते ना आता। मैं और मॉम तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। कल इस्लामाबाद के लिए दो टिकट्स बुक कर सकते हैं मेरे लिए, अलमास और सुंबुल के नाम। हेलो सुंबुल, सुंबुल। अलमास बेगम, अब देखो तुम्हारी बेटी के साथ मैं क्या करता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ।
दफा हो जा। महिंदर इधर आओ जल्दी, ये लेके चलो मेरे पीछे चलो, तुम सब निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो, जल्दी चलो। मनुज है सब एक नंबर के कमबख्त, किसी ना काम के ना काज के दुश्मन, अनाज के हैं सब। आप कहाँ रह गई थी? अरे इन कमबख्तों से सामान उठवा रही थी। अरे ले आऊंगा ना, अंडे बोल रही हो ना। अरे तुम फोन पे क्या बात कर रहे हो, रखो। एक सेकंड मैडम, मेरी बीवी का फोन है, आ जाता है। आपकी बीवी नहीं है ना, आपको नहीं पता क्या? ए, फोन रख। अच्छा चलो मैं करता हूँ बात। चलो बस ठीक है, जाओ तुम बैठे, चलो खुदा हाफिज। स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या हो गया इसको? अभी तो सही कराया था। अरे कम बखत, तेरा रिक्शा भी तेरे जैसा सड़ा हुआ है। अरे बस हो जाएगा, अभी हो गया। तुम मारो पीछे से एक मुक्का। हो गया हो गया, जल्दी कर। सर अगर हम एमके फार्मा के शेयर्स खरीद लें तो इन फ्यूचर हमें काफी प्रॉफिट हो सकता है। साहब आप क्या रहे हैं? सर आई थिंक हमें शेयर्स खरीद लेने चाहिए क्योंकि कुछ अरसे में शेयर्स की वैल्यू बढ़ सकती है। डैड आप क्या कहेंगे? मैं वही कुछ कहूंगा जो तुम कहोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा फैसला जो है वो मेरिट पे होना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे तमाम फैसले मेरिट पे होते हैं। थैंक्स डैड। ठीक है जनरलमैन, मैं फाइनल डिसीजन लेके आप दोनों को इन्फॉर्म कर दूंगा। जी सर। उमर जरूरी बात करनी है तुमसे। मुझे खुशी है, मैंने नोट किया है कि तुम ऑफिस के मामलात के फैसले बहुत अच्छे लेते हो। आप इसे सीखा है? अच्छा मुझसे सीखा है तो फिर घर के मामलात कैसे डील करने हैं? उमर ये तुम मुझसे क्यों नहीं सीखते? डैड आई नो आपको बहुत बुरा लगा होगा, सोया और पुपो बहुत अरसे से अपना घर छोड़कर हमारे पास रह रही थी। आई थिंक इट वाज टाइम कि फाइनली उन्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, वाकई नहीं है कि उन्हें कब वापस चला चाहिए था। पॉइंट ये भी नहीं है कि उन्हें क्या कहा गया है, किस तरह कहा गया है, किस तरीके से कहा गया, ये भी पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है उमर कि उन्हें किसके कहने पे ये सब कहा गया है। डैड मैं सोया की वाकई रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी केयर करता हूं, ठीक ना? जैसे आप बाकी डिसीजंस में मुझ पर भरोसा रखते हैं, घर के मामला पे मुझ पर भरोसा करके देखें प्लीज। मैं सोच समझ के ही फैसला करूंगा। मैंने डैड जायरा भी हमारे घर के उसूलों के साथ चलना सीख रही है, एक्सेप्ट कर रही है। वो साथ से नहीं मिलेगी ना बात करेगी उससे। ज़रा मिलके कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप हमारा साथ दें। उमर लेट मी क्लियर यू वन थिंग, मुझे फिक्र सिर्फ तुम्हारी है।
मेरा हमेशा से कंसर्न सिर्फ उमर मीर साहित रहा है। मुझे डर है बेटा, कहीं तुम्हें कोई ठेस ना पहुंच जाए। थैंक्स। ठीक है, I'm going back to my office. कल की लड़की ने तुम्हें तो चारों शाले चित कर दिया। तुम तो मुझे कह रहे थे कि अगर उमेर की बात ना मानी तो पुरानी जिंदगी में हम पहला कदम रखेंगे, मगर आज इस लड़की के तेवर देखकर मैं तुम्हें बताए देती हूं कि उमेर को हां कह के तुमने पुरानी जिंदगी में पहला कदम रख दिया। हाँ बस अभी आ रहा हूं, तुम बस तैयार हो, हम डिनर पे जा रहे हैं। ओके ओके बाय। जी अस्सलाम वालेकुम पप्पू। बेटा सोया की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ सोया को? पता नहीं, जब से आई है ना, ना कुछ खा रही है ना पी रही है, रोई जा रही है और अब तो बेहोश हो गई है। लगता है डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। ओह गॉड, अच्छा परेशान मत हो, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आ जाओ। जी 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 आ रहा हूँ अभी। आ रहे हैं? आने दीजिए। जिसको ज़ायरा अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी समझ रही थी, मैं उसे ही उसकी बर्बादी की आखिरी सीढ़ी बनाकर दिखाऊंगी। इंशाल्लाह। ये वाला पेन पूजा जी, एक काम करो, ये सारे जोड़े वापस कबर्ड में रख दो, ठीक है, और ये वाला प्रेस कर दो। जी बेबी। सही है। ऐसे क्या देख रहे हो? ये देख रहा हूँ कि कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है। Quite frankly, white suits you a lot. तुम्हें ना अब सिर्फ white पहनना चाहिए। तो मैं आज के वक्तों में ऐसी बातें कौन करता है? मैं करता हूँ क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और ट्रस्ट मी किसी भी जमाने में मोहब्बत करने वाले ऐसे ही ढेर करते हैं। शादी के बाद ना तुम्हारे वार्डरोब में मोस्टली व्हाइट होगा। सीरियसली उमेर? बिल्कुल, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। पूजा इधर आना प्लीज। जी बीबी जी। मुझे पर्पल वाला जोड़ा छोड़ दो और जो व्हाइट वाला ड्रेस है ना वो प्रेस कर दो। जी ठीक है। बीबी जी ये वाला? हाँ यही वाला, जल्दी से करके ला दो। ठीक है बीबी।
क्या तुम खाने पीने में लगी हुई हो? जाओ जाके अपने कमरे में बिस्तर पे लेटो, आंखें बंद करो, मैं आता ही होगा। मैंने उसे कहा तुम बेहोश हो गई हो। जा रही हूँ मम्मी, जा रही। अरे कम अज कम जाके बेहोशी की कैफियत ही तारी कर लो, लगे तो सही कि तुम बेहोश हुई थी। ये बात तुम खा लेना, चलो। पुपो, जोया, पुपो, पुपो। अरे बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। जोया कहाँ है, कैसी हो? अरे बेटा अब तो बहुत बेहतर है, अच्छा हुआ तुम आके। अभी डॉक्टर इंजेक्शन लगा के गया तो होश में आई, बेचारी होंदी पड़ी थी। जाओ जाओ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं। नहीं पुपो, चाय की जरूरत नहीं। सोया ये क्या बचपन है? बचपन ही की तो बात है, तुमने भुला तो ही, मगर मैं नहीं भुला सकी। गॉड, सोया मैंने कभी तुम्हारे बारे में उस तरह नहीं सोचा। ऐसे भी मेरी शादी हो चुकी है यार, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने कब कहा तुम्हारी शादी नहीं है? तुम अपनी निभाओ, मैं अपनी निभा रही हूँ। फिजूल की जिद लगाई हुई तुमने, सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रही, और कुछ नहीं। मेरे लिए तो सब कुछ है ही सच्चा है, तुम्हारे लिए फिजूल होगी। सुहैब फिजूल बातें मत करो, क्या हो गया तुम्हें? खुद का ख्याल रखो। देखो तुम्हें मुझ जैसे बल्कि मुझसे कई बेहतर मिल जाएंगे यार, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे जैसे तो मैं तुम्हारे सत के वार पर फेंक दूं। मेरी नजर से देखो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। तो नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, अम्मी ने पड़ोस से डॉक्टर बुलाया है। पड़ोस का डॉक्टर? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। चलो उठो, तुम्हें किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास लेके जाता हूं। चलो गेट अप। नहीं उसकी जरूरत नहीं है। जिद मत करो, चलो। तुमसे कैसी जिद? तुम कहो तो तुम्हारे लिए जान भी दे दो। चलो उठो, उठो, चलो गेट अप। सॉरी। ध्यान से चलो। अब बेटा ये बैग लो और ये चादर भी पहन लेना। चल। Is everything okay?
जी इनका बीपी शुगर और हार्ट रेट तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल ठीक है। और तुम कह रहे थे कि किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाओगे मुझे। डॉक्टर ये बेहोश हो गई थी, इन्हें इंजेक्शन लगा था, आप सही से चेक करें ना प्लीज। किस चीज का इंजेक्शन लगा है इन्हें? ये तो आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर मैं हूँ यहाँ। बेशक डॉक्टर मैं ही हूँ, लेकिन कोई बीमारी भी तो होनी चाहिए। बहरहाल मैं कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, आप वो करवा के मुझे दिखा दीजिएगा। मेरे साथ आइए आप। जी खबर प्यार करना नहीं।